नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, किसानों को सरकार ने बहुत ही बड़ी राहत दी है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों के सामने जो एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। अगर किसी कारणवश से किसान अगर समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाता था तो किसान का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता था। तो दोस्तों, इसको लेके बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अगर आप एक किसान हैं और अगर आप समय पर किसी कारणवश से अगर बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों अब आपके बिजली का कनेक्शन नहीं कटेगा। तो चलिए, कहाँ पर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आपको सीधा ले चलते हैं उस खबर की ओर। तो दोस्तों, देख सकते हैं किसानों को बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। बिजली बिल नहीं भरने पर नहीं कटेगा किसानों का बिजली कनेक्शन। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, बिजली बिल जमा कराने की जो तारीख है वो 30 जून तक बढ़ा दी गई है। सभी किसान भाइयों को इस वीडियो में आज हम आपको बिजली बिल कनेक्शन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अब किसान भाई जो है बिजली कनेक्शन बिल समय पर किसी कारणवश से जमा नहीं करा पाते हैं तो उनका बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, किसानों को अब बिजली बिल जमा कराने को लेकर 30 जून तक छूट दे दी गई है। इससे पहले 31 मई तक इसकी अंतिम तारीख रखी गई थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। एक महीने का और टाइम जो है किसानों को दे दिया गया है। इसी दौरान बिजली निगम के आदेश जारी किए गए थे और बकाया बिलों का भुगतान जो था वो 31 मई तक जमा कराना था। तो दोस्तों, अगर 31 मई तक जमा नहीं कराए जाते तो उस समय 2% पेनल्टी किसानों को देनी पड़ती। इसके अलावा बिजली बिलों को जमा नहीं कराने पर कनेक्शन भी काटा जा सकता था। तो इसको लेके यहाँ पे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के कारण किसानों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद टिड्डी दलों का खेतों में हमले से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे भी अपने बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सरकार ने किसानों को बिजली बिल जमा कराने की अंतिम तिथि जो है इसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। जो पहले 31 मई थी उसे 30 जून कर दिया गया है। अब कब कब सरकार ने इसकी तारीख जो बढ़ाई है, तो दोस्तों तिथि बढ़ाने से किसानों को पर्याप्त समय जो है इसके लिए मिल जाएगा। राज्य सरकार की ओर से किसानों की सिंचाई व घरेलू बिजली कनेक्शन के बिल की तारीख को आगे बढ़ाने से किसानों को बिल की राशि की व्यवस्था करने में पर्याप्त समय मिल जाएगा। वहीं जो किसान अपनी फसल बेचने में लगे हुए हैं वो अपनी फसल बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे बिजली बिल भर सकते हैं, जिससे किसानों के सामने ये समस्या जो है इसका समाधान हो जाएगा। तो इसी बीच यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अगर किसी कारणवश से किसान समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में सरकार ने आदेश दे दिया है कि किसान का बिजली का बिल का जो कनेक्शन है वो नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बिजली बिल के कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखी है संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से सरकार की पल पल की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें।